नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस कविता पर चर्चा कर रहे हैं, जिस कविता का पाठ करने वाले हैं, वह है सुदामा पांडे की धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा से आप लोग परिचित होंगे। हम जब आज़ादी के बाद में या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत के आम जन के सर्वांगीण विकास की बात होने लगी थी, जब उसे गुलामी से, हर तरह के गुलामी से आज़ादी पर प्रयास होने लगे थे, तब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय प्रौढ़ माने जो कि अपनी आयु में प्रौढ़ हो गए हैं, माने जो जिनकी पढ़ने लिखने की जो आयु है वो व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है, मतलब अपने प्रौढ़ावस्था की ओर जो अग्रसर हैं, उन्हें ऐसे प्रौढ़ भारतीय जन जो निरक्षर थे, जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था, उन्हें शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि रात्रिकालीन, जो रात्रि के समय उनकी कक्षाएं लगाई जाया करती थी, और उसमें उन्हें अक्षर ज्ञान या साधारण जो शिक्षा है वह देने का प्रयास किया जाता था। आप सोचिए कि वर्षों से दलित, पीड़ित, शोषित, हो चाहे मजदूर थे, चाहे किसान थे, या उसी वर्ग के और जो दूसरे लोग थे, वो जो कि शिक्षा के अभाव में सदियों से, शताब्दियों से शोषित हो रहे थे, शोषण का शिकार हो रहे थे, ऐसे लोगों को अक्षर ज्ञान या शिक्षित करने का प्रयास किया जाना आरंभ हुआ, जिससे कि वो अपने स्व को पहचान सकें और अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से या शिक्षित होकर थोड़ा बेहतर जी सकें। और उनका ये प्रयास रहा कि उन्हें फिर शोषित ना होना पड़े, या वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, या कम से कम अपने निजत्व और अपने अस्तित्व को पहचान सकें। ये प्रौढ़ शिक्षा बहुत लंबी कविता है और धूमिल का की कविता बहुत प्रसिद्ध भी है। प्रौढ़ शिक्षा। काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ अ, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। इन पंक्तियों में धूमिल वर्तमान और भूत दोनों का की तुलना करते नजर आ रहे हैं, या तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं काले तख्ते, आप इसे स्लेट, आजकल स्लेट का चलन नहीं है, स्लेट आप सब जानते ज़रूर होंगे, आप चाहे उसे स्लेट से ले लें तख्ते का मतलब, या आप चाहें तो उसे श्याम पट माने ब्लैक बोर्ड से अर्थ ले सकते हैं। काले तख्ते पर सफेद खड़िया, खड़िया माने चौक, या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बढ़ता कहते हैं, बढ़ता, स्लेट पे बढ़ते से जो लिखा जाता है, तो कभी कहते हैं काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ आ। अभी काले तख्ते और सफेद खड़िया के भी का भी एक अंतर्निहित अर्थ है। काला तख्ता माने जो तुम्हारा कलुषित अतीत है, कलुषित जो भूत है, जहां तुम प्रताड़ित और शोषित रहे, और सफेद खड़िया तुम्हारा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया जाने वाला कदम। तो कवि कहते हैं काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं अ। अ शिक्षा का प्रतीक, कि मैं तुम्हें अ लिखना, मतलब अ बोलना सिखा रहा हूं या लिखना सिखाता हूं, माने कि तुम अब शिक्षित होने के लिए तत्पर, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है। आप उच्चरित करिए, उच्चारण करिए अ और आ। जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुंह पूरा खुलता है और गले तक, कंठ तक सामने वाले को दिखाई देता है। तो कवि ने उस गले को, या वो जो कंठ है
जब आ बोला जाता है तो जो मुख खुलता है उस कंठ को अंधी गुफा कहा है। कभी कहते हैं और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह। अंधी गुफा का द्वार किसे कहा है? उन्होंने मुंह को कहा है। क्यों कहा है? कि उस मुख से तुम जब आ बोलते हो, मैं अ बोलता हूं तो तुम आ बोलते हो, माने आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो। ऐसा नहीं है कि वो गलत सिखा रहे हैं, माने जब वो अ बोलते हैं तो आगे अपने आप से जब तुम आ बोलते हो तो आ भी दो अर्थ रखता है। पहला अर्थ रखता है कि वो किसी अंधी गुफा की तरह, अंधी गुफा का कोई द्वार खोल रहा है। अंधी गुफा में अंधेरा भी होगा, है ना, और गुफा माने लंबा, माने जो लंबा अंधेरा कलुषित जो तुम्हारा अतीत, जो तुम्हारा भूत रहा है, भूतकाल रहा है, उसका मानो उस गुफा का दरवाजा तुम तब अपने मुख के द्वारा खोलते हो जब तुम अ के बाद आने वाले आ वर्ण का उच्चारण करते हो। और ये आ अभिप्राय दो अभिप्राय है इसके। आ माने कि मैं अब आगे आना चाहता हूं या मैं उस शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करना चाहता हूं। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। ये जो तुम आ बोलते हो, इस आ में एक तरफ जब तुम शिक्षा के प्रति तत्पर हो, जब तुम अपने भविष्य को उज्जवल और स्वर्णिम करना चाहते हो, दूसरा कि जब तुम उस कलुषित गुफा को के द्वार को खोलना चाहते हो, माने अपने उस दलित पीड़ित शोषित जो तुम्हारा अतीत है उसे समाप्त करना चाहते हो, उसे प्रकाशमान करना चाहते हो, तो ये भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तो तुम ये आज जब बोलते हो तो तुम सहमत होते हो या सहमति देते हो, तैयार होते हो, अपनी स्वीकारोक्ति देते हो कि तुम अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। बीते दिनों में, अतीत में जो तुमने इतनी यातनाएं सही हैं, इतने कष्ट सहे हैं, इतनी पीड़ाएं सही हैं, उन पीड़ाओं के खिलाफ तुम जब अ के आगे आ बोल रहे हो, माने शिक्षा के लिए तत्पर हो रहे हो, तो तुम्हें पहली बार ऐसा तो तुम जब ये सहमति प्रदान कर रहे हो तो तुम पहली बार अपनी यातनाओं के खिलाफ अपना मुंह खोल रहे हो, माने विद्रोह कर रहे हो या विरोध दर्ज करा रहे हो। और यह वह, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन, अब ये जो आगे की पंक्तियां, ये जो कलुषित अतीत रहा है, जो पहले शोषित होते हुए या प्रताड़ित होते हुए या निंदित होते समय जो अवस्थाएं रही हैं, उन पर उनकी तरफ संकेत करते हैं। कभी कहते हैं ये उस आदमी का भविष्य है, ये तुम्हारा शिक्षा के लिए उद्दत होना, ये तुम्हारा अपने लिए आवाज उठाना, ये तुम्हारा अपनी यातनाओं के खिलाफ मुंह खोलना उस व्यक्ति के भविष्य के लिए है जो अब तक गूंगा था, न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता था, माने अगर उसका विरोध दर्ज होता था तो आत्महत्या के रूप में होता था। जब उसकी पीड़ाएं या शोषण को सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती थी, शक्ति खत्म हो जाती थी, तो वह आत्महत्या कर लेता था। तो वो नहीं बोलता था, उसकी आत्महत्या बोलती थी। आत्महत्या सरहद माने सीमा, आत्महत्या तक की सीमा तक पहुंचने वाला वह व्यक्ति जो तब तक गूंगा रहता था, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए उसके दिमाग में शताब्दियों का अंधकार। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की। 60 और 70 के दशक का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नारा था हर राजनीतिक दल का, कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का नारा दिया जाता था उस वक्त। तो कवि कहता है कि मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, माने सिर्फ नारों में ही उनके उज्जवल भविष्य की बात हुआ करती थी, वास्तव में उनका कोई अर्थ नहीं था। तो हवाई हमले थे जिससे दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है। किसी एक उस समय एक विशेष राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह था। तो कहते हैं कि उन चुनावी वादों में खोए हुए अपने उस निजत्व की तलाश में जो नारे दिए जाते थे, वो तुम्हारे
शताब्दियों के जो अंधे कुएं थे, शताब्दियों से जो तुम्हारे अंधे कुएं, किसको कहा अंधकूप बने कुएं, अंधकूप किसे कहा है, उनकी शताब्दियों के कलुषित और पीड़ित और दलित और शोषित और पीड़ित जो उनका अतीत था उसको, कि उसे वो दिमाग से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर किताबों के बीच में पशुओं के पूंछ के नीचे टटोलते हैं और किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। माने बात उसी दलित पीड़ित शोषित की, मतलब कवि कहता है कि तुम्हारे बारे में बात होती है हर जगह किताबों में, माने जहां पे, मतलब हर स्थान पर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर जगह बात तुम्हारी होती है लेकिन तुम चुप हो। तुम्हारे ही दिमाग, तुम्हारे ही संघर्ष को, जिस संघर्ष को केवल और केवल तुमने जिया है, या जिस पीड़ा को केवल और केवल तुमने सहा है, उस पीड़ा को भुनाने का प्रयास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और लगभग हर स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन तुम किसी जानवर की तरह या किसी बेजुबान प्राणी की तरह चुप हो, सिर्फ और सिर्फ अपने संघर्ष पर चर्चाएं होते देख रहे हो। तो ये उस चुप के खिलाफ, ये उस मौन के खिलाफ तुम्हारी सहमति है जब तुम इस शिक्षा के प्रति अपने तत्परता दिखाते हो। धन्यवाद।